फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने फरीदाबाद के एक होटल से चार नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। वहीं नाबालिग बच्चों से काम करने के जुर्म में चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ढाबा मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के संजय कॉलोनी स्थित शुभम शुद्ध भोजनालय ढाबे की है, जहां पर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और ढाबे पर काम करने वाले चार नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। क्राइम ब्रांच के एएसआई अमर सिंह का कहना है कि स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो नाबालिग बच्चों से काम करा रहे हैं। प्रमोद, जो होटल है वो किस नाम से आपका? शिवम नाम से। शिवम नाम से। प्रमोद, जो है टीम पहुंची हुई है, रेस्क्यू टीम, कितने बच्चे रेस्क्यू किए गए? हाँ सर, कितने बच्चों को ले जा रही टीम? चार बच्चे को ले जाए। क्यों, क्या उम्र कम है? उम्र कह रहा कम है, एक का तो उम्र 18 साल, उनको भी ले जा रहे हैं। अच्छा, तो और बाकी तीन लोगों की उम्र कितनी? तीन बच्चों की उम्र कम है, कह रहा 16 साल है। आपको पता नहीं था कि जो है कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखना? नहीं सर, ये लॉकडाउन की वजह से ना ये फंस गया था, कहीं और काम करता था। अच्छा, मतलब अपने माँ बाप के पास रहता था, लेबर पर काम करता था, वहीं रहता था। लॉकडाउन में इनको दिक्कत हुआ था, मेरे जो रिश्तेदार है ना यहाँ भेज दिया, बोला यहाँ से बस जाता है फरीदाबाद से। अच्छा, तो बल्लभगढ़ होते जाता है बस, तो उस बस से इसको भेजना था, आज भेज ही रहे थे सबका। वो देखो तो सम्मान हो रहा है, बस तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो रहा था, पैसे भी तो होना चाहिए था, बात ये था ना। अच्छा, काम करा रहे थे आप? मैं काम नहीं करा रहा था किसी से, मेरे काम देखो, लड़का मेरा सब अलग अलग है। अच्छा, इनसे कोई काम नहीं करवा रहा है, वो झूठा है। हाँ, ये लड़का मैं काम नहीं करवा रहा था, टीम झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे था तो मतलब कि अंतर में कुछ कुछ इधर उधर करता ही था, झूठ वाले जो बात है इधर। काम कर रहे थे? काम नहीं कर रहा था, सब नहा था, आज जा ही रहा था, इसमें तो दो बच्चे तो गांव ही जा रहा था। बच्चे रेस्क्यू किए गए, अपना संजय कॉलोनी चौकी है फरीदाबाद में, वहाँ उनका एरिया पड़ता है, और एक स्वयं शुद्ध भोजनालय है मेन रोड पर ही, और उन बच्चों की 14 से 15-16 साल की उम्र है, बच्चों की अलग अलग उम्र सर, ये सारे चारों बच्चों की। क्या काम कर रहे थे? हाँ, ढाबे पे काम कर रहे थे, कोई उस पर परोसने का काम कर रहा है, कोई रोटी बनाने का काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे सारे बच्चे। तो अब क्या कार्रवाई जो है टीम की तरफ से? जो बच्चे हैं, बच्चों का क्या नाम है, लोकल पुलिस को इत्तला दे दी गई है, और बच्चों का मेडिकल करा के उसको CWC को पेश किया जाएगा। जो हमारी जो बेंच है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है बच्चों की, वो जो भी आदेश देगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों की उम्र को लेकर के दस्तावेज चेक किए गए हैं? हाँ, वो कई बच्चों का क्या नाम है, जो ढाबे का मालिक था वो कह रहा था भाई 17 साल है, 18 साल है, भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपको लग रहा है कि 18 साल इसकी है तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसने पेश नहीं किया। तो लगातार टीम इस तरीके के काम कर रही है कि आप बच्चों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है, क्योंकि बाल मजदूरी वास्तव में ही जो है क्राइम है, पर कहीं ना कहीं लोग कुछ समझ में तैयार नहीं है, क्या कुछ कहना चाहिए? जब आदमी को एक तरह से जब कानून कार्रवाई हो जाती है, अगर ऐसा है कि एक बच्चा रेस्क्यू किया नॉन फॉर्मेलिटी की, वो होता है अलग मैटर, हमारा सिस्टम क्या है, हम कम से कम उस पर जुर्माना कराते हैं, वरना उसके खिलाफ कानून का FIR दर्ज कराते हैं। क्या वजह है अमर सिंह जी, लोग नहीं समझ पा रहे, क्या जुर्माना कम है या फिर जो सजा के तौर पर जो कार्रवाई की जाती है वो कमजोर है? मुझे जो लगता है, हम कई सालों से काम कर रहे हैं, आपको लगता होगा आप अपने वैसे भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, मुझे जो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि भी बहुत सुधार है, पहले से 2-3 सालों में इतना सुधार है, बहुत ज्यादा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।